गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5th, चैप्टर नेम इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स, मीन्स हमारा शरीर कैसे काम करता है। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन, मीन्स हमारा शरीर एक जीवित मशीन है, यानी जो हमारी बॉडी होती है वह एक मशीन की तरह होती है। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मीन्स इसके दो प्रकार के अंग होते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इंटरनल मीन्स आंतरिक। ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मीन्स अंग हमारे शरीर के भाग हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज दैट कैन बी सीन, मीन्स बाहरी या बाह्य अंग वे हैं जिन्हें देखा जा सकता है, यानी जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मीन्स नीचे दिए गए चित्र को देखें और बाहरी या बाह्य अंगों पर नाम लिखिए। वन इज़ डन फॉर यू, मीन्स एक आपके लिए किया गया है। देखिए, देखो बच्चों, ये है हेयर, इसलिए यहाँ हेयर राइट किया गया है। देखो बच्चों, ये है हेड, तो हम यहाँ हेड राइट करेंगे। ये है फोरहेड, ये है आई, ये है ईयर और ये है नोज। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने बाकी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स राइट करने हैं। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स आंतरिक अंग। हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड लंग्स आर इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। हार्ट मीन्स हृदय या दिल, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, स्टमक मीन्स पेट, लंग्स मीन्स फेफड़े। मीन्स हृदय या दिल, मस्तिष्क, पेट और फेफड़े महत्वपूर्ण आंतरिक अंग हैं। दे आर इनसाइड आवर बॉडी, मीन्स वे हमारे शरीर के अंदर हैं। स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, मीन्स ब्रेन यानी मस्तिष्क हमारे सिर के अंदर होता है। इट हेल्प्स अस थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, मीन्स यह हमें सोचने, सीखने और याद रखने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, मीन्स यह शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। हार्ट मीन्स हृदय या दिल। कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, मीन्स अपना हाथ अपनी चेस्ट यानी अपनी छाती के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर रखें। डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम, मीन्स क्या आपको एक ड्रम यानी एक ढोल की तरह कुछ धड़कता हुआ महसूस होता है। यस, इट इज़ योर हार्ट, मीन्स हाँ यह आपका हृदय है यानी दिल है। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स हमारा हृदय या हमारा दिल शरीर के सभी भागों को ब्लड यानी खून पंप करता है यानी पहुंचाता है। लंग्स मीन्स फेफड़े। कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ, मीन्स अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और एक गहरी सांस लें। व्हाट डू यू फील, मीन्स आपको कैसा महसूस होता है। योर चेस्ट स्वेल्स, मीन्स आपकी चेस्ट फूल जाती है। There are two lungs inside our chest,
मीन्स हमारी चेस्ट के अंदर दो फेफड़े होते हैं। द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ मीन्स फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं। दे आर फिल्ड अप विद एयर व्हेन वी ब्रीथ इन मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो वे हवा के साथ भर जाते हैं। अब हम रीड करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक मीन्स पेट। वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्वेलो इट मीन्स खाने और निकलने के बाद भोजन कहाँ जाता है। इट गोज़ इनटू अवर स्टमक मीन्स यह हमारे पेट में चला जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट्स द फूड वी ईट मीन्स पेट हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाता है। बोन्स एंड मसल्स मीन्स हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स मीन्स हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों का बना है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव रन एंड प्ले मीन्स हमें चलने दौड़ने और खेलने के लिए हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं। डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट हैव एनी बोन्स मीन्स हमारे शरीर के कुछ भागों में कोई हड्डियाँ नहीं होती। दे आर टंग आईलिड्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ईयर मीन्स वे हैं टंग मीन्स जीभ आईलिड्स मीन्स पलक और लोअर पार्ट ऑफ द ईयर यानी कान का निचला भाग। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम मीन्स हमारे शरीर के सभी भाग अच्छे से काम करते हैं जब हम उनकी उचित देखभाल करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इस चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इज मशीन मीन्स मशीन। सेकंड इज एक्सटर्नल मीन्स बाहरी या बाह्य। थर्ड इज इंटरनल मीन्स आंतरिक। फोर्थ इज ऑर्गन्स मीन्स अंग। फिफ्थ इज रिमेंबर मीन्स याद रखना। सिक्स्थ इज ब्रीथ मीन्स सांस लेना। सेवन्थ इज स्वेलो मीन्स निगलना। एट्थ इज मसल्स मीन्स हड्डियाँ। नाइन्थ इज सॉरी मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। नाइन्थ इज टुगेदर मीन्स एक साथ। टेंथ इज आईलिड्स मीन्स पलक। स्टूडेंट्स टुडेज योर होमवर्क इज चैप्टर 5th रीड एंड डिक्टेशन वर्ड राइट एंड लर्न। थैंक यू।